गुजरात के बाढ़ग्रस्त इलाके के दौरे पर गए कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी की कार पर बनासकांठा जिले में पथराव के बाद राज्य की सियासत गर्मा गई है। अहमदाबाद समेत कई जगहों पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने शनिवार को जमकर प्रदर्शन किया। कांग्रेस इसे बीजेपी की साजिश बता रही है। खुद राहुल गांधी ने हमले के लिए पीएम नरेंद्र मोदी को जिम्मेदार ठहराया है। मेरे पीएसओ को लगा मोदी जी और बीजेपी आरएसएस का राजनीति का तरीका है और क्या कह सकते हैं। पूरी राहुल जी जो अपने आप काम करता है वो कंडेम कैसे करेगा। उन्हीं के लोगों ने किया है तो कंडेम कैसे कर सकते हैं। कांग्रेस ने इस मसले पर बड़ा आंदोलन छेड़ने की तैयारी कर ली है। गुजरात में दम तोड़ रही कांग्रेस के लिए इस घटना को सियासी संजीवनी माना जा रहा है जो कि उसे फिर से जिंदा कर सकता है। गुजरात में कांग्रेस के कई विधायक टूटकर बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। कद्दावर नेता शंकर सिंह वाघेला भी पार्टी का साथ छोड़ चुके हैं। वहीं राज्यसभा चुनाव में अन्य विधायकों के टूट जाने के डर से पार्टी ने विधायकों को बेंगलुरु भेजा हुआ है। ऐसे में पार्टी इस मुद्दे को भुनाने की पूरी तैयारी कर चुकी है। कांग्रेस कार्यकर्ता इस मुद्दे पर राज्यव्यापी प्रदर्शन कर रहे हैं जिसकी शुरुआत हो गई है। इस मामले पर कांग्रेस के साथ समाजवादी पार्टी भी खड़ी दिखाई दे रही है। एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि यूपी में बंदूकबाज तो गुजरात में पत्थरबाज हैं। हालांकि बीजेपी ने इस मामले में राहुल गांधी को ही घेरते हुए पूछा है कि उन्होंने दौरे पर बुलेट प्रूफ गाड़ी में जाने से इनकार क्यों किया। गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने राहुल गांधी की कार पर हुए हमले की निंदा की। आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। सीएम रूपाणी ने कहा कि उन्होंने संबंधित अधिकारियों को घटना के जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। हालांकि उन्होंने राहुल के दौरे को फोटो खिंचवाने का अवसर और कांग्रेस उपाध्यक्ष को राज्य का नियमित पर्यटक करार दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, रेड नेटवर्क। रेड नेटवर्क की ये प्रस्तुति आपको कैसी लगी इस बारे में आप नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। इस वीडियो को शेयर करें। आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें। आपका भरोसा ही हमारी ताकत है।